अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, मैं कई बार बता चुका हूं कि एब्सेसिक एसिड हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसी प्लांट पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, यानी स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, चाहे वो बायोटिक फैक्टर की वजह से हो या एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो, तो उस दौरान एब्सेसिक एसिड हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिस्पांस देती हैं। तो एब्सेसिक एसिड हार्मोन उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, प्रोमोट करती है, जो स्ट्रेस कंडीशन के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती है। यानी एबीए हार्मोन जो है, ये पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स की सिंथेसिस को प्रमोट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो पैथोजन अटैक को रिस्पांस देती हैं। एबीए हार्मोन कोल्ड टेम्परेचर रिस्पांसिव प्रोटीन्स की सिंथेसिस को भी प्रमोट करती हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कोल्ड स्ट्रेस के दौरान, लो टेम्परेचर के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। एबीए हार्मोन शॉर्ट स्ट्रेस रिस्पांसिव प्रोटीन्स की सिंथेसिस को भी प्रमोट करती हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो शॉर्ट स्ट्रेस के दौरान, शॉर्टेड कंडीशन के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। एब्सेसिक एसिड हार्मोन हीट शॉक रिस्पांसिव प्रोटीन्स की सिंथेसिस को भी प्रमोट करती हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो हीट स्ट्रेस के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। एबीए हार्मोन ड्राउट रिस्पांसिव प्रोटीन्स की सिंथेसिस को भी प्रमोट करती हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो ड्राउट कंडीशन के दौरान, ड्राउट स्ट्रेस के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। तो एब्सेसिक एसिड हार्मोन उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को प्रमोट करती हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के दौरान, स्ट्रेस कंडीशन के दौरान प्लांट को सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। ये था रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।